भी इसको देखते थे बहुत बार, मतलब कि पर जानते नहीं थे कि ये जगन्नाथ जी का मंदिर है। ये अभी तक बन ही रहा है, मतलब ये जो बोल रहे थे हम, जो काम चल रहा है। हाँ ये रहा मंदिर के ऊपर पूरा, अच्छा आर्किटेक्चर स्टाइल में, इसीलिए बहुत टाइम लग। बहुत लोग बोल रहे होंगे कि 500 सब्सक्राइबर हुए तो भाई कुछ और सेलिब्रेशन करना चाहिए, तो सबसे अच्छा सेलिब्रेशन हमारे लिए तो मंदिर ही है। जिनका बल मैंने खाया पानी पूरी और ये खा रही है स्वीट कॉर्न। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल प्रज्वल प्रेरणा यूनिवर्स एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सबसे पहले तो हमारे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत सारा थैंक यू। जितना बोले उतना कम होगा, तो उसी के लिए हमने सोचा कि हम पहले मंदिर जाते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले तो भगवान ही आते हैं ना, तो इसीलिए। और हमारा मंदिर जाना इधर थोड़ा हो भी नहीं पाया था क्योंकि काम ज्यादा थे, और जहाँ भी जा रहे थे तो कहीं बाहर चले जा रहे थे, मंदिर नहीं हो पा रहा था, तो वही सोचे कि थोड़ा मंदिर जाते हैं। और मतलब सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हुए हैं, तो थोड़ा वो एक होता है ना जाने का, आशीर्वाद लेने का, तो इसीलिए हम मंदिर जा रहे हैं, तो उसका ब्लॉग हम आज बना रहे हैं। आगे आगे क्या क्या होता है इस वीडियो से। हाँ चलिए मिलते हैं आप लोग से आगे। यहाँ जय जगन्नाथ जी का मंदिर है सामने में, और इधर थोड़ा पहले आ गए, तो अभी मंदिर बंद है, 4 बजे खुलता है। अभी कितना बज रहा है देख सकते हैं आप लोग, 3:42 हो रहा है, अभी 15 मिनट बाकी है। इसमें एक बजरंग बली का भी मंदिर, बहुत बड़ा मूर्ति है भाई, 30 फीट का मूर्ति होगा। हाँ तो हम सोचे कि हम उसमें थोड़ा दर्शन कर लेते, और वही सीढ़ी है यहाँ पे, तो हम वही पे बैठे हुए हैं करके, और मंदिर खुलने का वेट कर रहे हैं। ये इतना तेज स्कूटी चलाता है ना कि हम लोग इतना जल्दी आ रहे हैं। किसी को आना है तो मेरे कॉलेज से 5-7 किलोमीटर आगे एक बेलेंदूर स्टॉप आता है, बस स्टॉप का सामने में ही हनुमान जी का मूर्ति आप लोगों को दिख जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा है ना, तो अच्छे से दिखेगा। और यहाँ पे अभी हमें जगन्नाथ मंदिर अंदर जाना है, हम आपको भी मंदिर के अंदर दिखाएंगे, क्योंकि आशीर्वाद लेना। प्रिपरेशन वाला मंदिर है, मतलब कि हम इसको देखते थे बहुत बार, मतलब कि पर जानते नहीं थे कि ये जगन्नाथ जी का मंदिर है। ये अभी तक बन ही रहा है, मतलब पूरा वहाँ पर वो सब लगा हुआ है जो बनाते नहीं है, चार चढ़ के लगा हुआ है, जो स्कूल का छुट्टी हुआ है बच्चे लोग। हम लोग जगन्नाथ जी के टेम्पल में एंटर तो हो गए हैं, बट सब बंद है, देखिए जैसे कि यहाँ पर एक दरवाजा है जो लॉक है, ऐसा बहुत सारे दरवाजे हैं जो लॉक हैं। देखिए जो बोल रहे थे हम, जो काम चल रहा है। हाँ ये रहा मंदिर के ऊपर पूरा, अच्छा आर्किटेक्चर स्टाइल में, इसीलिए बहुत टाइम लग रहा है इस मंदिर को बनने में। इस मंदिर की खासियत यही है कि बहुत सारे आर्किटेक्चर, देखिए जैसे, हाँ देखिए ऐसा, आपको चारों तरफ से मंदिर दिखाते एक मिनट। जैसे कि अभी हम लोग बोले कि चारों तरफ से मंदिर दिखाते हैं, तो देखिए यहाँ पर कितना भाई, वो वाला देखिए, नाइस वन। और वो देखिए हमारे बजरंग बली, यहाँ इसका मेन द्वार है और वहां पर एक मेन द्वार है। बहुत सारा, बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला जय जगन्नाथ जी का टेम्पल। तुलसी माता हमारी, शिव जी का टेम्पल है वहाँ, बहुत तगड़े से यार। देखिए जैसा कि देख सकते होंगे आप लोग, पंडित जी खोल रहे हैं सब द्वार। अभी यहाँ वाला द्वार जो मैंने बोला कि पहले 2 मिनट पहले बोले नहीं 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 थे प्रेरणा जी, बंद था ये करके, अब खुल गया है करके। तो एग्जैक्ट टाइमिंग्स है भाई लोग यहाँ पर, अगर 4 बजे बोल रहे हैं तो 4 बजे आप लोग का खुल जा रहा है। सामने में ओवर ब्रिज है, तो आप लोग समझ सकते होंगे आसानी से कि ये कौन सी जगह है करके, जो बेंगलोर में हो हैं।
बहुत लोग बोल रहे होंगे कि 500 सब्सक्राइबर हुए तो भाई कुछ और सेलिब्रेशन करना चाहिए, तो सबसे अच्छा सेलिब्रेशन हमारे लिए तो मंदिर ही है, जिनका जो जो धर्म है उनका वो धर्म सबसे अच्छा सेलिब्रेशन है कि वहाँ जाओ आराम से बैठो, आराम से पीसफुली अपना बात करो। आपके जो भी भगवान है, हर भगवान अच्छे होते हैं, हर भगवान बराबर। तो इसीलिए हम लोग मंदिर सबसे पहला तो माता पिता है कि माता पिता के साथ बैठो, उनके साथ शेयर करो कि 500 सब्सक्राइबर हो गए, बट उन लोग को नहीं पता है, फैमिली को नहीं पता है, तो हमारे दूसरे फैमिली तो आप लोग हो, तो आप लोग को तो हाँ, तो इसीलिए सेलिब्रेशन हम लोग को करना था माध्यम से, तो इसीलिए हम लोग मंदिर आके बैठे हुए शांति से, क्योंकि वही करवा रहे हैं ना, जो करवा रहे हैं, जो लिखा हुआ है विधि के विधान में जो वो तो होगा ही होगा ना, तो इसीलिए बस हम भगवान पे अंदर का तो ज्यादा शॉर्ट्स नहीं लिए क्योंकि हम लोग थोड़ा भक्ति में लीन हो गए थे और मंदिर में भूल गए भाई शॉर्ट्स लेना करके, तो थोड़ा मोड़ा हम ही लिए करके, ये तो कुछ नहीं ली वहाँ पर, क्योंकि हम थोड़ा भगवान के पास जाते हैं ना, तो वो थोड़ा एक हो जाता है और सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बीच में डिस्टर्ब करना नॉट गुड। हम थोड़ा मोड़ा लिए हैं, तो जगन्नाथ जी को आप लोग देख सकते होंगे आशीर्वाद ले लीजिए हमारे वीडियो के माध्यम से, और ये बहुत अच्छे मतलब कि उड़ीसा में बहुत पॉपुलर ये भगवान है, जय जगन्नाथ जी। रथ यात्रा भी निकलती है जगन्नाथ जी, पूरी में बहुत बड़ा मंदिर है। बहुत यूजुअल मैंने खाया पानी पूरी और ये खा रही है स्वीट कॉर्न, यहाँ पर पीछे में मिल गया था हम लोग को दोनों चीज, पानी पूरी है और स्वीट कॉर्न है, तो हम लोग खाने लगे, भूख लग गया था हम लोग को, एक नंबर एक नंबर। जैसा कि आप लोग देख सकते होंगे हम लोग आ चुके हैं घर, हम लोग लिफ्ट में थे, ऊपर जा रहे थे तो सोचे याद आए कि वीडियो तो खत्म किया, खाने में हम लोग मशगूल हो गए। आज का वीडियो इतना ही, आज हम दर्शन करने गए थे और अपना 500 सब्सक्राइबर को सेलिब्रेट एक छोटा सा सेलिब्रेशन करने गए थे जिसमें हमारे भगवान जी हमारे साथ थे, नॉर्मल था ये। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट डालते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय श्री राम। जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। बाय एवरीवन, बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।